ऐसी संस्था जिसे उसका उचित सम्मान नहीं मिला। हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी संस्था की जिसको स्वतंत्रता के बाद उसका उचित सम्मान नहीं मिल पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्काउट एवं गाइड आंदोलन की, जिसे आज हम भारत स्काउट एवं गाइड्स के नाम से जानते हैं। स्काउटिंग की शुरुआत। भारत स्काउट गाइड का इतिहास आज से लगभग 112 साल पुराना है। स्काउटिंग आंदोलन की शुरुआत 1907 में हुई। श्री बेडन पावल, जो एक मेजर जनरल थे, एक अंग्रेज आर्मी अफसर थे, उन्होंने अपना एक प्रयोगात्मक कैंप 20 बच्चों के लिए ब्राउंसी द्वीप इंग्लैंड में लगाया और यहीं से स्काउटिंग की शुरुआत हुई। भारत में स्काउटिंग की शुरुआत। भारत में 1909 में स्काउटिंग की शुरुआत कप्तान T.H. बेकर ने बेंगलोर में पहले स्काउट ट्रिप की स्थापना करके की, जो कि इंपीरियल हेडक्वार्टर लंदन से रजिस्टर्ड था, और इसी के साथ पुणे, किरगिज शिमला, मद्रास, जबलपुर, लोनावाला, मुंबई में भी यूनिट रजिस्टर्ड हुई, जो कि इंपीरियल हेडक्वार्टर लंदन से रजिस्टर्ड थी। और ये स्काउट यूनिट केवल यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन के लिए थी। पहली गाइड कंपनी जबलपुर में पंजीकृत हुई। भारत की आज़ादी में स्काउट गाइड आंदोलन का योगदान। 1857 की महाक्रांति। अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आज़ादी में भारत स्काउट गाइड आंदोलन का क्या महत्व है, इसके लिए हमको करीब 40-50 साल पहले जाना पड़ेगा। दुनिया की पहली महाक्रांति 1857 में हुई। जी हाँ, दुनिया की पहली महाक्रांति, जिसे अंग्रेज़ों ने और हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने विद्रोह का नाम दिया। यह विद्रोह नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी महाक्रांति थी, जिसे अंग्रेज़ों ने दबाने का प्रयास किया और वह सफल भी हुए। यह महाक्रांति भले ही बहुत कारणों से असफल हो गई हो, किंतु अंग्रेज़ों ने इससे बहुत कुछ सीखा, सबक लिया कि कैसे भारत को आगे भी गुलाम बना कर रखना है। अंग्रेजों ने नीतियाँ तैयार की, उन्होंने सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगा दी, राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करने, कुचलने के हर संभव प्रयास किए, लोगों को इकट्ठा होने से मना किया, पढ़े लिखे लोगों को, विद्वानों को मार दिया गया जो आज़ादी की भावना रखते थे या अपना वैचारिक या बौद्धिक रूप से समर्थन करते थे। भले ही अंग्रेज़ों ने कई नियम बनाए, किंतु उद्देश्य यही था कि भारत में आगे चलकर कभी भी आज़ादी की अलख न जग सके, लोग एकत्र न हो सकें, संगठित न हो सकें, वही पढ़ें जो अंग्रेज चाहें। हर प्रकार से जनता में राष्ट्रीयता की भावना, एकता की भावना को खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने देश में आज़ाद होने की संभावना को ही खत्म कर दी। भविष्य में कोई दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन न खड़ा हो सके। भारत में पढ़ने की तो आज़ादी थी, किंतु उन्हीं लोगों के लिए जो अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार हों, उनके लिए काम करें, ना कि भारत की आज़ादी के लिए। उन्होंने ऐसे संगठन खड़े किए जो केवल अंग्रेज हित की बात करते थे। आज़ादी का सपना देखना भी गुनाह हो गया था उस समय। ऐसे समय में 1907 में इंग्लैंड में एक संगठन उभरा, स्काउट गाइड, और विश्व पटल में फैलने लगा। भारत में स्काउट गाइड के संस्थापक विद्वान थे। भारत में जो भी बड़े बड़े विद्वान थे, खासकर बैरिस्टर, जज, जो भले ही ऊपर से अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, किंतु उनके अंदर कहीं ना कहीं उमंग थी, आशा थी कि भारत कभी तो आज़ाद हो। कोई पहल नहीं मिल रही थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, दमन कर दिया था। शिक्षा की कहीं व्यवस्था नहीं रही थी कि लोगों को जागरूक किया जा सके। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहाँ से विद्वान लोग इस तरफ सोच सकें। ऐसे समय में इन विद्वानों को एक प्रकाश की रोशनी दिखाई दी स्काउट गाइड संस्था के माध्यम से, कि कैसे बच्चों को हम
जिसके नाम पर राष्ट्रीयता की भावना सिखा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, क्योंकि 1857 की महाक्रांति के बाद में युवा वर्ग और बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना के अवसर ही खत्म कर दिए गए थे। ऐसे में इन्होंने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाते हुए स्काउट गाइड आंदोलन को अपनाया, खुद शिक्षित हुए, ट्रेनिंग ली और बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया। देश में लगभग हर क्षेत्रों में स्काउट गाइड यूनिट खुलने लगी। यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं वो बहुत ही उच्च स्तरीय विद्वान थे, खासकर वकील, जज, बैरिस्टर थे। इनमें सबसे बड़े नाम आते हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, हृदयनाथ कुंजरू, पंडित श्रीराम वाजपेयी, डॉक्टर एनी बेसेंट, जी एस अरुंडेले, और भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने शुरुआत में इस अवसर को गंवाने नहीं दिया और इसमें अपना सहयोग दिया। यहाँ यह दुख की बात है कि हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने सिर्फ दो चार बड़े नाम ही रहने दिए और बहुत सारे नाम गायब कर दिए इतिहास की किताबों से, क्योंकि ये बहुत उच्च स्तरीय विद्वान थे, इसलिए इनके नाम चाहकर भी नहीं हटा सके वो। भारत की अंग्रेज सरकार का संशय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तत्कालीन भारत की सरकार ने जो अंग्रेजों की थी इस पर बहुत मंथन किया और वाइसराय को पूरी स्थिति से अवगत कराया कि क्यों इस संस्था को भारत के लोगों के लिए ना खोलने दिया जाए। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों इसे एंग्लो इंडियंस के अलावा आम लोगों के लिए खोलने दिया जाए या ना खोलने दिया जाए, कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित ना हो जाए। आर्मी ने भी गहन पड़ताल की, शिक्षा विभाग ने भी इस पर बहुत जांच की, पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया कि इस स्काउट गाइड आंदोलन में किसी प्रकार की आर्मी ट्रेनिंग से ना जोड़ा जाए। सरकार की हमेशा इस पर कड़ी नज़र रहेगी। सरकार का मुख्य प्रश्न था कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार हों, क्रिश्चियन धर्म के प्रति लगाव हो। सरकार ने बहुत कोशिश की कि संस्था भारत के बच्चों के लिए चालू ना हो, किंतु ये इनके इन प्रकरण देश के सभी क्षेत्रों में स्काउट गाइड यूनिट खुलने लगी। पढ़े लिखे विद्वान लोग इसमें शिक्षित होकर बच्चों को ट्रेनिंग देने लगे। अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी की शर्त। भारत में बहुत से स्काउट गाइड की संस्थाएं खुल चुकी थीं जो अलग अलग नामों से थीं, जैसे बॉय स्काउट, बालचर, सेवा समिति, इंडियन स्काउट गाइड, बॉयज स्काउट और भी बहुत सारी। भारत में स्काउट गाइड की शुरुआत करने वालों में आपस में बहुत ही मतभेद थे। उस समय अंग्रेज सरकार की शर्त यही थी कि ड्यूटी टू किंग, यानी अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार, यह उन्होंने नियम डाला था। बहुत से लोग इस पर सहमत नहीं थे। बाकी लोगों का कहना था कि पिछले 40-50 साल से हमें मौका ही नहीं मिला, आज मौका मिला है तो हमें किसी भी प्रकार से बच्चों में राष्ट्रीय भावना, स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के लिए अंग्रेज की शर्त को मान लेना चाहिए, क्योंकि हम सरकार कभी भी आंदोलन को प्रतिबंधित कर सकती है, मतभेद कितने भी रहे हों, किंतु सबका उद्देश्य भारत के बच्चों के प्रति जागृत करना था। इसी कारण जो इतनी सारी संस्थाएं जो भारत कि मैं स्काउट गाइड के नाम पे खुली थी वो एक नहीं हो पाई, एक छत के नीचे नहीं आई। हालांकि हमारे स्काउटिंग के संस्थापक बेटन पावल ने बहुत प्रयास किया कि सारी संस्थाएं एक संस्थान के अंतर्गत आ जाए, लेकिन मतभेदों के कारण नहीं आए। उस समय का हर छोटा बड़ा भारतीय क्रांतिकारी, विद्वान, राजनेता स्काउट गाइड का समर्थक था, भले ही वे आपस में कितने भी एक दूसरे के विरोधी हों। कोई नरम गुट का है, कोई गरम गुट का है, कोई किसी प्रकार से देश को आज़ाद कराना चाहता था, कोई किसी प्रकार से, किंतु देश के सभी वर्गों ने स्काउट गाइड का खुलकर समर्थन किया, स्वागत किया और हर संभव मदद करी। देश में हजारों की संख्या में स्काउट गाइड यूनिट खुलकर कार्य कर रही थी। विश्व स्काउट संस्था के संस्थापक बेडन पावल ने भी भारत के समक्ष स्काउट गाइड यूनिट को एकत्र करने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें असफल रहे। हालांकि आज़ादी के बाद में भारत स्काउट गाइड संस्थाओं का विलय हुआ, हम आगे देखेंगे। स्काउट गाइड यूनिट के रूप में आज़ादी का आंदोलन।
भारत में स्काउटिंग की शुरुआत करने वालों में भले ही मतभेद थे, किंतु स्काउट गाइड संस्था में वे बच्चों को अपनी सेवाएं देते रहे। बच्चों में देश प्रेम राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता रहा। जहां एक बच्चा राष्ट्रीयता की भावना लाता है तो उसके साथ में उसका पूरा परिवार, उससे जुड़े दूसरे बच्चों में भी राष्ट्रीयता की भावना होती है, बच्चे उत्प्रेरित होते हैं। इस प्रकार समाज में आज़ादी के लिए एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी अंग्रेज़ों के नाक के नीचे, और अंग्रेज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लगभग सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता स्काउट गाइड का समर्थन करते थे। इतिहास में दूसरे बड़े नेताओं का नाम किताबों से गायब कर दिया गया है, यह वाकई बहुत दुखद है। जितने भी बड़े उस समय नेता थे, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग थे, विद्वान वर्ग थे या राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे, सभी स्काउट गाइड संस्था को सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे शिक्षित होंगे तो आज़ादी की भावना को एक बल मिलेगा। किंतु हमारे वामपंथियों ने सिर्फ दो चार नाम छोड़ के बाकी सब लोगों के नाम इसमें से हटा दिए गए। सभी लोग स्काउट गाइड के समर्थक के पोषक थे, आर्थिक रूप से भी मदद करते थे। कभी किसी भी बड़े नेता ने स्काउट गाइड के लिए ना नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि स्काउटिंग कहीं ना कहीं देश के बच्चों को आज़ादी के लिए प्रेरित करती है, उनमें स्वाभिमान जगाती है, उनका शारीरिक बौद्धिक विकास करती है। गुरुकुल परंपरा। अंग्रेज सरकार ने भारत को खत्म करने के लिए योजनाबद्ध तरीके सबसे पहले गुरुकुल परंपरा नष्ट की। स्काउटिंग की संस्थापक बेडन पावल, जो कि एक अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने अपने जीवन के बहुत समय भारत में एक सैन्य अफसर के रूप में बिताया। वे इस परंपरा से वाकिफ थे, उन्होंने पढ़ा था, सुना था, उन्होंने भारतीय परंपरा का बहुत अध्ययन किया और जाना कि देश निर्माण में बच्चे कितने महत्वपूर्ण होते हैं और सैन्य अभियान में बच्चों का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें किस प्रकार भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। भारत से उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इसे जान लिया कि कैसे थोड़ी सी ट्रेनिंग देके बच्चों को अनुशासित किया जा सकता है। बेडन पावल ने आर्मी से सेवानिवृत्ति के बाद में उन्होंने इंग्लैंड में ब्राउन सी द्वीप में 20 बच्चों का एक प्रयोगात्मक कैंप लगाया। स्काउट गाइड शिविर गुरुकुल परंपरा ही है। पूरे विश्व में स्काउट आंदोलन सबसे ज्यादा भारत में फैला, क्योंकि यहाँ के विद्वान जानते थे कि गुरुकुल परंपरा का क्या महत्व है। आज़ादी के पहले हमारे देश में करीब 6 से 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, जिसे अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। वे जानते थे कि गुरुकुल परंपरा का क्या महत्व है और कैसे बच्चों को घर से बाहर रहकर दूसरों के साथ रहना सीखते हैं, उनमें संस्कार, अच्छी आदतें, देश प्रेम की भावना, एकता की भावना कैसे विकसित हो सकती है। अतः अंग्रेज सरकार द्वारा खत्म किए गए गुरुकुल परंपरा की शुरुआत भारत में एक अंग्रेज बेडन पावल की सोच से ही हुई। वास्तव में शिविर जीवन भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा का ही दूसरा रूप है। अभिभावक बताते हैं कि कैसे स्काउट शिविर से वापस आने के बाद उनके बच्चे में कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, बच्चा कितने जिम्मेदार हो गया है, कैसे उसके कार्य करने, उसके सोचने, व्यवहार में परिवर्तन आया है। पहले वह बच्चा घर के दूसरे बच्चों से मिलके नहीं रहता था, अपने खिलौनों या अपनी चीज़ों को दूसरे अपने सगे भाई बहनों से शेयर नहीं करता था। अब वह कैसे मिलकर रहने लगा, अपने खुद के बर्तन मांजने लगा, अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगा। स्काउट शिविर को देखकर ही देश में एनसीसी, एनएसएस और अन्य संस्थाओं का गठन हुआ, जो बच्चों को इस तरह की अनौपचारिक शिक्षा देने लगे। आज़ादी के बाद स्काउट गाइड संस्थाओं का विलय। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सभी स्काउट गाइड संस्थाओं को एक होने को कहा। सरकार के काफ़ी प्रयासों के बाद 7 नवंबर 1950 को सभी स्काउट गाइड संगठनों का विलय होकर भारत स्काउट एवं गाइड का गठन हुआ, जिसे भारत सरकार ने आधिकारिक स्काउट गाइड संस्था माना और दी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नाम दिया। विश्व स्काउट संगठन के द्वारा भी दी भारत स्काउट्स एवं गाइड्स एकमात्र संस्था रजिस्टर्ड है। वॉजम, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्काउट मूवमेंट, जिसमें सारे विश्व के संस्थाएं
अफिलिएट होती हैं, पंजीकृत होती हैं भारत में, तब भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ही उस संस्था से रजिस्टर्ड है। भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए और कई मीटिंगों के बाद सभी स्काउट गाइड संस्थाओं को बाध्य किया कि आप एक संस्था में विलय होना पड़ेगा। यहाँ यह बहुत मुश्किल कार्य था, किंतु भारत सरकार के वर्तमान सचिव महोदय ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से सभी संस्थाओं को एक कर उनका विलय करके भारत सरकार में एक संस्था को मान्यता दी, जिसे हम आज भारत स्काउट एवं गाइड के नाम से जानते हैं। भारत स्काउट गाइड आज भी गुरुकुल परंपरा को जीवित किए हुए है। इसकी सारी गतिविधियां घर से लेकर समाज तक के लिए होती हैं। बाहर बच्चे कैंप करने जाते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले रहना सीखते हैं, दूसरों के साथ रहना सीखते हैं, अन्य वर्गों, अन्य धर्मों, जातियों के साथ रहना सीखते हैं, और यह गुरुकुल परंपरा का ही दूसरा रूप है। यह एक ऐसा आंदोलन रहा जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, जिसने कभी सरकारी मदद नहीं मांगी, बहुत थोड़ी सी सरकारी मदद से आज तक अपने आप को बचा कर रखा हुआ है, किंतु आज स्थितियां बड़ी विकट हो रही हैं, क्योंकि बिना धन के कोई भी संस्था चल नहीं सकती, ये संस्था दान पर चलती है, विद्वानों की संस्था। इस संस्था में भारत में शुरुआत से ही बहुत उच्च स्तरीय विद्वान, खासकर वकील, जज, महापुरुष जुड़े रहे। आज भी इस संस्था को चलाने वालों में बहुत बड़े लोग जुड़े हुए हैं, और छोटे से छोटा व्यक्ति भी इस संस्था के नीति निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों में सुनागरिकता की शिक्षा है, बच्चों के चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य निर्माण में राष्ट्रीय निर्माण की शिक्षा है, और इसको आगे बढ़ाने का काम उच्च स्तरीय विद्वान गण ही करते आ रहे हैं, जो शिक्षण के क्षेत्र में उच्च पदों पर होते हैं। बच्चों को ट्रेनिंग देने वालों में अधिकांशतः शिक्षा से जुड़े लोग होते हैं, वह स्वयं से भी होते हैं जो अपनी अपनी अलग से नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, शिक्षक भी होते हैं, किसान भी होते हैं, अपने व्यवसाय में होते हैं, और उसमें से समय निकालकर इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बच्चों को इकट्ठा करते हैं और बच्चों को अपना बहुमूल्य समय देकर बिना कोई पैसा लिए ट्रेनिंग देते हैं। पहले खुद बेसिक स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन की ट्रेनिंग लेते हैं, फिर एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं, फिर हिमालय वुडवेज की ट्रेनिंग लेते हैं, फिर बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। सरकार से मदद बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज सरकार को चाहिए, समाज को चाहिए कि वह भारत स्काउट एवं गाइड, जो कि एकमात्र वास्तविक असली स्काउट गाइड संस्था है, को आर्थिक रूप से मदद करे। किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विशाल देश की विभिन्न राज्यों, भाषाओं, जातियों में बटा है, 125 करोड़ की जनसंख्या है, करीब 6 लाख गांव हैं, कई हजार शहर हैं, सभी की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है। इसे चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। इस संस्था ने कभी भी सरकारी अनुदान के लिए सरकार के किसी अफसर कर्मचारी को अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए घूस नहीं दी, अतः सरकारी अनुदान बहुत कम या नाम मात्र होता है, जो कि एक वास्तविक सच्चाई है और दुखद पहलू भी है। देश की आज़ादी में अप्रत्यक्ष रूप से इस संस्था का बहुत योगदान है, किंतु सरकार द्वारा आज़ादी के बाद इसे जो हक मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। गौरव और सम्मान तो बहुत है, किंतु धन के बिना इतनी बृहद संस्था को चलाना बहुत दुष्कर कार्य है। जिस प्रकार सरकार में देश की हजारों संस्थाओं को कई हजार करोड़ रुपए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देती है, वैसे ही मदद अगर इस संस्था को जरूरत है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज़ाद भारत में यही एक संस्था है जो कि गुरुकुल पद्धति को जीवित रखे हुए है। कहते हैं, वंस ए स्काउट ऑलवेज ए स्काउट, जो एक बार स्काउट बन जाता है वह जीवन भर स्काउट रहता है, और जो पुराने स्काउट हैं वह इस संस्था के लिए मदद करते हैं। किंतु 125 करोड़ की जनसंख्या, कई हजार वर्ग किलोमीटर में फैले हुए देश में, जहाँ पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे इतने सारे राज्य हैं, उसके लिए चलाने के लिए एक बहुत बड़े संगठन की ज़रूरत पड़ती है, राष्ट्रीय मुख्यालय में, फिर राष्ट्रीय मुख्यालय के साथ में राज्य मुख्यालय हैं, राज्य मुख्यालयों के अलावा जिला संगठन होते हैं, जिला संगठन के नीचे तहसील संगठन होते हैं, फिर यूनिट रजिस्टर्ड होती हैं, उसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ी
फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक बहुत बड़े नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए धन चाहिए होता है, केंद्र सरकार से थोड़ा बहुत अनुदान मिलता है वह ना के बराबर है, राज्य सरकारें कुछ अनुदान राज्यों से लेती हैं, राज्य सरकारों से वह नाकाफ़ी है। सरकार को चाहिए कि जैसे वह अन्य हजारों संस्थाओं को कई लाख करोड़ रुपए देकर चलाने में मदद करती है, वैसे ही भारत स्काउट को भी चलाने में मदद करें। आइए हम सभी इस संस्था की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।